बात स्वच्छता की। स्वच्छता अभियान 2.0 सफलता की नई इबारत गढ़ रहा है। इसके जरिए न सिर्फ कूड़े कचरे की समस्या से निजात मिल रही है, बल्कि सरकार को भी आमदनी हो रही है। स्वच्छता अभियान 2.0 को लेकर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियां कैसी रही, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। स्वच्छता अभियान 2.0 की भारत सरकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिर्फ कबाड़ के निपटारे से 364 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई है, जबकि 88 लाख वर्ग फुट को कचरा मुक्त बनाने में भी कामयाबी मिली है। सफाई अभियान लगभग 1 लाख जगहों पर चलाया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 की समीक्षा के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अभियान की सफलता की जानकारी दी। नियरली 88 लाख स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस क्लियर्ड, व्हिच यू कैन इमेजिन वुड बी सब्सटेंशियल, एंड नियरली 10,000 locations were involved in this campaign, which is, I think, a record in itself. Nearly 1 lakh locations. Of course, the figure is 99,000 something, which is almost 10 lakh. And as many as 300 best practices. 2 से 31 अक्टूबर तक चले विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर लोक शिकायतों का निपटारा किया गया। 8,734 सांसदों के मामलों के जवाब दिए गए और 883 नियमों को सुगम बनाया गया। वहीं 54.50 लाख फाइलों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान रेलवे, जहाजरानी, संचार समेत अनेक मंत्रालयों ने अभियान चलाकर स्वच्छता अभियान में पैनापन लाने की कोशिश की। विशेष स्वच्छता अभियान का मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं था, बल्कि संचिकाओं का निष्पादन भी था जो वर्षों से लटके पड़े थे। जनहित के मुद्दों को आम जनता से कनेक्ट कर सरकार ने इस स्वच्छता अभियान के दौरान उन लटके पड़े कामों को निपटाने की भी कोशिश की जो आम जनता से सीधे तौर पर ताल्लुक रखते हैं। कैमरामैन मोहित और एसपी दुबे के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।